ओवरऑल आपको कैसा लगा नीलम वैली? प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है, जितना कह लो कि एंड हो गया यार। इस्लामाबाद से, पिंडी से या लाहौर से? लाहौर से। अच्छा, लाहौर से। अगर मैं थक जाता हूँ तो ये भाई चला लेते हैं, जब ये थक जाते तो मैं चला लेता हूँ। तो आपका ये फर्स्ट ट्रिप है? जी, ये फर्स्ट ट्रिप है इधर का, कश्मीर का। कश्मीर का के बाइक पे फर्स्ट ट्रिप है ये मैं पूछ रहा हूँ। बाइक पे और भी ट्रिप है लेकिन कश्मीर की तरफ फर्स्ट ट्रिप है। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सनी फरहाद, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ नीलम वैली के अंदर शारदा केल, अड़न केल। और हम अभी जा रहे थे रास्ते में कि मुझे एक खूबसूरत जगह नज़र आई और मैंने सोचा कि इधर भी एक छोटा सा क्लिप बनना चाहिए और इस खूबसूरत प्लेस को जो है वो अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी इस जगह को देखें और जब भी कश्मीर का उनका विज़िट हो और वो भी इस जगह को एंजॉय कर सकें। तो शारदा जाते हुए, केल जाते हुए रास्ते पे एक ये लवली प्लेस है और आपको इधर जाना चाहिए। इधर हम थोड़ी सैरो तफरी करेंगे और साथ गपशप लगाएंगे अपने दोस्तों के साथ जो कि मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ लाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुने कैसे हैं? ठीक ठाक। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि एक्चुअली मैं इधर आया हुआ था विज़िट के लिए। इन भाइयों को देख के जो है ना, मैंने कहा कि इनका इनसे थोड़ी गपशप लगानी चाहिए और ये बाइक पे आए हुए हैं। ठीक है, तो फर्दर इनसे डिटेल लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सफ़र अली। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नेम है और आपका काम भी इसी तरह का ही है, सफ़र पे निकले हुए हैं माशाल्लाह। तो कितना अर्सा हो गया आपको निकले हुए? हम परसों रात को निकले थे। परसों रात को निकले हैं इस्लामाबाद से, पिंडी से या लाहौर से? लाहौर से। अच्छा, लाहौर से। अगर मैं थक जाता हूँ तो ये भाई चला लेते हैं, जब ये थक जाते तो मैं चला लेता हूँ। तो आपका ये फर्स्ट ट्रिप है? जी, ये फर्स्ट ट्रिप है इधर का, कश्मीर का। कश्मीर का के बाइक पे फर्स्ट ट्रिप है ये मैं पूछ रहा हूँ। बाइक पे और भी ट्रिप है लेकिन कश्मीर की तरफ फर्स्ट ट्रिप है। तो कैसा लगा आपको सारा कश्मीर जो है? अभी तक कितनी लोकेशंस आपने विजिट किया? अभी तक हमने मुजफ्फराबाद से लेके अभी तक जो भी लोकेशन आई है ना, वो हमने मिस नहीं की। सही, मतलब छोटे से छोटा अगर कोई व्यू आ गया है वो भी आपने खड़े होके स्टे किया है, पिक्चर्स बनाई है, एंजॉय किया है। हाँ जी, सही। तो आगे फर्दर आपका क्या प्लान है, कितने दिन आप और इधर स्टे करेंगे, कहाँ तक जाने का प्लान है आगे? हमारा जो है, हमने जाना था टाउबर्ट तक, ठीक है, लेकिन आगे जो है सुनने में आया कि स्लाब वगैरह आया हुआ है, ठीक है, तो रास्ता भी बहुत ख़राब है, तो इसलिए जो है ना अड़न केल तक हम जाएंगे और मंडे मॉर्निंग इंशाल्लाह जो है ना हम यहाँ से निकलेंगे और ट्यूसडे तक जो है ना हम इंशाल्लाह सुबह सुबह पहुँच जाएंगे घर लाहौर। सही, ये भाई भी आपके साथ हैं? हाँ जी, सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? लाहौर से तशरीफ लाए आप? नहीं नहीं, इस्लामाबाद से, हम लेट गाड़ी पे आए थे इनके साथ। अच्छा अच्छा, इनके साथ साथ आ रहे हैं, रास्ते में दोस्ती होगी इन्हीं के साथ। सही, वेरी गुड। तो आगे बाइक पे तीनों तो नहीं जाने का प्लान? नहीं, तीनों के 70 बाइक है हमारे पास। तो कैसा लगा आपको कश्मीर, पहली दफा आए आप इधर? नहीं, लास्ट ईयर भी आया था पर अड़न केल तक नहीं गए थे। अब प्लान है कि अड़न केल तक जाएंगे आगे। अड़न केल तक जाएं, मेरा मशवरा आपको यही है। कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं सर लाहौर से आया हूँ। लाहौर में किस एरिया से? मैं मॉडल टाउन एस ब्लॉक में रहता हूँ। मॉडल टाउन से, वेरी गुड। हम भी लाहौर से ही आए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा मतलब व्यू आ रहा था, मैंने कहा रास्ते में आया तो इधर रुकना चाहिए। आपने भी यही सोचा है कि आवाम इकट्ठी हुई है इधर? जी बिल्कुल। तो क्या प्लान है आपका, अभी आप आए हैं, कौन कौन सी लोकेशन आपने देख ली है और कौन कौन सी अभी फर्दर आप देखना चाह रहे हैं? लाहौर से ट्रेवल करके हम पहुँचे हैं, कोई जगह नहीं है जो हमने नहीं स्टे की। इधर अच्छा व्यू आता है, हम उधर रुकते हैं अच्छे तरीके से, यानी कि खाना शाना खा के फिर निकलते हैं। सही, तो आगे आगे भी बात ऐसे ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे अभी पीछे जो है वो आप अपर नीलम है, इसके अलावा केरन है, देखा वो आप? बिल्कुल, वहाँ पे रुक के तस्वीरें बना के फिर निकले हैं। और नाइट स्टे कहाँ पे किया? नाइट हमने पीछे एक होटल मिला था हमें, बस छोटा सा था, वहाँ पे स्टे किए रात को, सुबह 5 बजे फिर वहाँ से निकले हैं। ओवरऑल आपको कैसा लगा नीलम वैली? प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, जितना कह लो कि एंड हो गया यार। क्या रिकमेंड करते हैं हमारी ऑडियंस के लिए?
आपकी हिम्मत है कि आप इधर आए हो। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन ये है कि मजा आया, थकावट उतर गई है इधर आके। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, और हैव अ सेफ जर्नी। जिस तरह से आप आए हैं, इसी तरह से सलामती से वापस जाएं।